विश्व के सभी मेरे साथियों को राजरत्न अंबेडकर की ओर से जय भीम नमो बुद्धाय। आज फेसबुक पर लाइव आने की वजह यही है कि आज डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी ने द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया, जिसे हम भारत में भारतीय बौद्ध महासभा के नाम से जानते हैं, इस संस्था की नींव, इस संस्था की स्थापना आज 4 मई 1955 को, आज से 67 ईयर्स पहले बाबा साहब अंबेडकर जी ने ये संस्था बनाई। बाबा साहब अंबेडकर जी के जीवन की ये सबसे आखिरी संस्था है और इस संस्था के माध्यम से बाबा साहब अंबेडकर जी ने उनके जीवन का, सिर्फ उनके संस्थाओं का ही नहीं, उनके जीवन का भी बाबा साहब अंबेडकर जी ने कंक्लूजन, निष्कर्ष हमें द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के माध्यम से दिया। बाबा साहब अंबेडकर जी ने सन 1924 में बहिष्कृत हितकारिणी सभा, ये संस्था बाबा साहब ने 1924 में बनाई। 1924 से बाबा साहब ऑर्गेनाइजेशन, संस्था, संगठन को जोर देते आ रहे हैं। बहिष्कृत नाम से बाबा साहब ने अपने मूवमेंट को शुरू किया और कंक्लूड बुद्धिस्ट नाम पर आके किया। तो आज इस संस्था का 67th एनिवर्सरी है। मैं भारत के, विश्व के सभी बाबा साहब के अनुयायियों को बाबा साहब के इस संस्था की ढेर सारी मंगल कामनाएं देता हूँ। बाबा साहब अंबेडकर जी ने ये संस्था क्यों बनाई, ये अनेकों बार मैंने लोगों को समझाया है। बाबा साहब के नक्शे कदम पर चलने के लिए मैंने अनेकों लोगों को तैयार किया और कई सारे लोग, कई सारे राज्यों में मुझे वो परिवर्तन भी दिखाई दिया कि कई सारे लोग बौद्ध धर्म के माध्यम से अब आ रहे हैं। बाबा साहब ने ये संस्था जो निर्माण की, इसकी नींव, इसका जन्म वर्ल्ड फेलोशिप ऑफ बुद्धिस्ट के थर्ड कॉन्फ्रेंस में है। ये थर्ड कॉन्फ्रेंस, तीसरी परिषद रंगून में हो रही थी और बाबा साहब अम्बेडकर जी को जब भारत में आने के बाद यह एहसास हुआ कि विश्व के बौद्धों को मैंने भारत में आकर बौद्ध धर्म के प्रचार और प्रसार के काम में हाथ बटाने के लिए कहा तो है, लेकिन वो आएंगे किसके पास, वो किससे संपर्क करेंगे, और इसलिए एक संस्था भारत में होनी चाहिए। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर जी ने द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया, जिसे हम मराठी में या हिंदी में या रीजनल लैंग्वेज में भारतीय बौद्ध महासभा के नाम से जानते हैं, ये संस्था बाबा साहब ने रजिस्टर करवाई। पहले ये संस्था इंडियन सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860, ये कानून बना हुआ था, उस कानून के अंतर्गत पहले रजिस्टर करवाई। 3227 ये नंबर 4 मई 1955 के एस्टैब्लिशमेंट के डेट के साथ बाबा साहब को मिला। फिर आगे चलकर बाबा साहब के सहकारी इन्होंने इस संस्था को बॉम्बे पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, अब ये महाराष्ट्र पब्लिक ट्रस्ट एक्ट 1950 हो गया है, इस कानून के अंतर्गत भी इसे बाबा साहब के सहकारियों ने रजिस्टर करवाया। आज फिलहाल इस संस्था का राष्ट्रीय अध्यक्ष और ट्रस्टी चेयरमैन होने के नाते मैं इस संस्था का काम देख रहा हूँ। 2018 में मेरी नियुक्ति, यानी 18 में नियुक्ति हुई, 2019 के एंड में और 20 के स्टार्टिंग में लॉकडाउन लगा, 2 साल हमारे लॉकडाउन में गए। सिर्फ 2 साल का ही टेन्यूअर, सिर्फ 2 साल का ही कार्यकाल मुझे इस संस्था के लिए अब तक मिल पाया है, लेकिन इन 2 सालों में भी हमने अब 25 साल का काम हमने किया है। वर्ल्ड फेलोशिप ऑफ बुद्धिस्ट की जो हमारी मेंबरशिप थी, बाबा साहब अंबेडकर जी हमेशा इस वर्ल्ड फेलोशिप ऑफ बुद्धिस्ट के कॉन्फ्रेंस में जाया करते थे और भारत के बौद्धों की समस्या विश्व के सामने रखा करते थे। वर्ल्ड फेलोशिप ऑफ बुद्धिस्ट के मंच से बाबा साहब के कई सारे स्पीचेस यूट्यूब के ऊपर और बाबा साहब के वॉल्यूम्स में भी अवेलेबल है। तो बाबा साहब अम्बेडकर जी के कई सारे मुद्दे वर्ल्ड फेलोशिप ऑफ बुद्धिस्ट में थे, लेकिन इस वर्ल्ड फेलोशिप ऑफ बुद्धिस्ट की जो हमारी सदस्यता थी, बाबा साहब अंबेडकर जी के बाद फी न भरने की वजह से वो रद्द हो गई थी। 2018 में जब मैं चेयरमैन बना, इस संस्था का पदभार मैंने स्वीकारा, तब पहला काम मैंने किया कि वर्ल्ड फेलोशिप ऑफ बुद्धिस्ट के हेडक्वार्टर में जाके मैंने इस संस्था का जो सदस्यता थी, जो
खत्म हो चुके थे इसको पुनर्जीवित करने का काम किया। आज हम वर्ल्ड फेलोशिप ऑफ बुद्धिस्ट के लीगल मेंबर हैं, वहाँ पर हम लोग जाते हैं। अभी अभी ये 13 तारीख को मैं जब लंदन जाऊंगा, लंदन से आते आते थाईलैंड के वर्ल्ड फेलोशिप ऑफ बुद्धिस्ट के ऑफिस में जाके फिर से इसकी जो फीस बाकी है वो भर के फिर से हम लोग काम करेंगे। और इसी वर्ल्ड फेलोशिप ऑफ बुद्धिस्ट के सहकार्य से हम भारत में नागपुर में 60 एकड़ की जमीन वहाँ पर हम लोगों ने प्राप्त की है और वहाँ पर वर्ल्ड बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी का काम भी हम लोग कर रहे हैं। तो इसलिए कहा कि इन 2 सालों में 25 साल का काम मैंने इस संस्था के लिए किया है। वर्ल्ड बुद्धिस्ट मेरे ख्याल से बाबा साहब अम्बेडकर जी के 10 पॉइंट प्रोग्राम 10 एम्स एंड ऑब्जेक्टिव जो बाबा साहब ने इस संस्था के लिए बनाए हैं उसमें से एक काम हम लोग उसके ऊपर एग्रेसिवली काम कर रहे हैं और वो है एजुकेशन का। यूनिवर्सिटी स्कूल और कॉलेजेस बनाकर ब्राह्मणी व्यवस्था का शिक्षा वहाँ पर देने के बजाय खुद का बोर्ड खुद का सिलेबस तैयार हो इसलिए यूनिवर्सिटी का काम हम लोग कर रहे हैं। तो वहाँ पर वर्ल्ड बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी का निर्माण नागपुर में, नागपुर इसलिए चुना क्योंकि बाबा साहब ने बौद्ध धर्म की दीक्षा यहीं से प्राप्त की थी। तो वहाँ पर हम लोगों ने वो यूनिवर्सिटी का नींव हम लोग रख रहे हैं, हमारी सारी कार्यकारिणी वहाँ पर काम कर रही है। तो ये सारा काम बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के माध्यम से इन 2 सालों में हम कर पाए हैं। उसमें भी 2 साल लॉकडाउन में हमारे वेस्ट हो गए। कई सारे वर्ल्ड फेलोशिप ऑफ बुद्धिस्ट की 2020 की जो 30th कॉन्फ्रेंस थी वो कॉन्फ्रेंस भी मैं वो हो ही नहीं पाए, हम अटेंड नहीं कर पाए। ये साल 22 में 31st कॉन्फ्रेंस आएगी, तो 31st कॉन्फ्रेंस में हम लोग वहाँ पर जाके भारत के बौद्धों की समस्या क्या है और किस तरह से ब्राह्मणी व्यवस्था भारत के बुद्धिज्म में घुसकर इसको तबाह करने का काम कर रही है। आज बाबा साहब अम्बेडकर जी के इस संस्था का आज वर्धापन दिन है। मैं आप लोगों से गुजारिश करना चाहता हूँ, बाबा साहब अम्बेडकर जी ने हिंदू जाति व्यवस्था से बाहर निकाल कर हमें ऐसे धम्म में बाबा साहब लेकर आए हैं जिसमें कोई जात नहीं है, कोई ऊंच नहीं है, कोई नीच नहीं है, सब बराबर है, सब समान है, ऐसी व्यवस्था बाबा साहब ने दी है। लेकिन कुछ एंटी अम्बेडकराइट्स जो बाबा साहब अम्बेडकर जी से नफरत करते हैं, जो बुद्धिज्म से नफरत करते हैं, ऐसे लोग बुद्धिज्म में घुसे हैं और हमारे लोगों को बहकाते हैं, जो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, जो लोग कम जानकारी रखते हैं, ऐसे लोगों को कह रहे हैं कि अगर तुमने अपनी जात को त्याग कर दिया, जाति को लगाना छोड़ दिया तो तुम्हारे रिजर्वेशन खत्म हो जाएंगे, स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। आज हमारे भोले भाले लोग बुद्धिज्म के साथ साथ चमार, बुद्धिज्म के साथ साथ जाटव, बुद्धिज्म के साथ साथ महार, ऐसा लगाने की कोशिश में जुड़ रहे हैं। तो ये मैं आप लोगों को कहना चाहता हूँ कि जाति का प्रमाण पत्र जिसके पास है उसको तो आरक्षण मिलने वाला है और मुझे पता नहीं है आरक्षण कब कहाँ मिलने वाला है, सारा तो प्राइवेटाइज हो गया है, स्कॉलरशिप्स 2014 से बंद है। तो महार मातंग चमार ढोर ये जातियाँ लगाकर हम कहाँ जाकर नौकरियाँ हासिल करने वाले हैं, ये एक बहुत बड़ा सवाल हमारे सामने है। फिर भी मैं उन लोगों का समर्थन कर रहा हूँ कि तुम्हारे पास अगर जाति का सर्टिफिकेट है तो वो सर्टिफिकेट दिखाकर आपको नौकरी मिल सकती है। जाति जनगणना में आपको जाति लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, वहां पर जाति लिखने से आपको कोई नौकरी नहीं मिलने वाली। इसलिए सिर्फ रिलीजन के कॉलम में सिर्फ अपना रिलीजन बुद्धिस्ट लिखो और वहां पर बौद्ध धर्म में अगर कोई जाति आती है तो आप लिखिए। बौद्ध धर्म में अगर कोई जाति आती है जैसे हिंदू धर्म में आती है, उस तरह से अगर कोई बौद्ध धर्म में आती हो तो आप लिखिए। लेकिन बौद्ध धर्म में मेरे जानकारी के अनुसार कोई जाति नहीं आती, इसलिए बौद्धों ने किसी भी जाति का उल्लेख आने वाले 2 जो कॉलम है उसमें नहीं करना है। जाति का सर्टिफिकेट है तो आप लोग अपने अधिकार प्राप्त कर सकते हो। जाति जनगणना में जाति लिखने के बाद आप लोगों को कहीं पर भी वहां पर प्रमाण पत्र या कोई नौकरी का सर्टिफिकेट नहीं मिलने वाला। इसलिए आज भी एक अपील आप लोगों से करना चाहता हूँ कि बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया बाबा साहब अम्बेडकर जी ने बौद्धों की एक संस्था बनाई है, इस संस्था से जुड़ो और जातियों को त्याग करके जुड़ो।
जातियों को लेकर इसमें मत आओ। हम लोग बौद्ध है और विश्व में हम लोगों को अपनी पहचान बौद्ध बतानी है, इसलिए आप लोगों को बौद्ध नाम से ही यहाँ पर आना चाहिए। और उस तरह से हम लोगों को अपने अधिकार भारत के बाहर से, देखिए आज भारत के बाहर जाने की जैसे हम लोगों ने 2018 में ये पहल की, आज पूरी ब्राह्मणी व्यवस्था भारत के बाहर जाकर अपने आप को बौद्ध बता रही है। इनके पास प्लेटफॉर्म है, इनके पास रिसोर्सेस है, साधन है, मीडिया है, ये एक ही रात में ब्राह्मण को बुद्धिस्ट घोषित कर सकते हैं। हम एक ही रात में बौद्ध होकर भी, चिल्ला चिल्ला कर भी हम ये नहीं बता सकते कि हम बौद्ध हैं। आज एक रात में अनुपम खेर, पल्लवी जोशी ये बौद्धों के देशों में जाकर कश्मीर फाइल जैसे जहरीली फिल्म बौद्धों के पैसों पर ये बना रही है। तो इनके पास सारे साधन है, मीडिया है, हमारे पास वो साधन नहीं है। इसलिए भारत के बाहर भी हम लोगों को ये लड़ाई लड़नी पड़ रही है। वेंकैया नायडू, नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ, अनुपम खेर, पल्लवी जोशी, विवेक अग्निहोत्री, ऐसे लोग ये अपने आप को भारत के बाहर जाकर बौद्ध बता रहे हैं। हम लोगों का संघर्ष इनके साथ बाहर होता है, वर्ल्ड फेलोशिप ऑफ बुद्धिस्ट के मंच पर होता है, यूनाइटेड नेशंस के सामने होता है कि ये लोग बुद्धिस्ट नहीं है और ऐसे लोग बुद्धिज्म के को लेकर भाग रहे हैं क्योंकि हमारा ध्यान वहां पर नहीं है। बाबा साहब अम्बेडकर जी हम लोगों को सोने की थाली में ये सारा परोस कर गए हैं, लेकिन हम लोग आज भी हिंदुओं के झूठन की थाली के ऊपर नजर गड़ाए रखे हुए हैं। इसलिए ये हिंदुओं के झूठन की थाली छोड़ो और बाबा साहब ने जो सोने की थाली में आपको परोसा है उस बौद्ध धर्म की ओर जाकर देखो कितना बड़ा प्लेटफॉर्म बाबा साहब देकर गए हैं। आज हम लोगों को बाबा साहब अम्बेडकर जी को सही मायने में अगर अभिवादन करना है, उनकी संस्था को बढ़ाना है। मैं हालांकि बाबा साहब के परिवार में मैंने जन्म लिया है, लेकिन हम बाबा साहब के असली वारिस नहीं है। असली वारिस अगर आपको बाबा साहब के देखने हैं तो बाबा साहब के संस्थाओं में ढूंढने चाहिए। जो बाबा साहब ने संस्थाएं इतनी मेहनत से बनाई, उन संस्थाओं में बाबा साहब के बच्चों को हमको ढूंढना है। पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी की क्या वाताहत हो गई है, क्या दुर्दशा हुई है, कभी आकर बॉम्बे में देखिए। बाबा साहब का रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया खत्म हो चुका है, बाबा साहब का समता सैनिक दल 70-80 गुटों में बढ़ चुका है। अब ये एक बच्चा बाबा साहब का बचा हुआ था, इसको भी टुकड़ों टुकड़ों में बांटने के लिए हमारे घर से भी कुछ लोग काम में लगे हुए हैं। तो मैं आज आप लोगों को बताना चाहता हूँ, आज आप लोगों को बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के वर्धापन दिन पर अपील करना चाहता हूँ कि ये एक बच्चा बाबा साहब का बचा हुआ है, बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया, इसे बचाओ, इसे बढ़ाओ। आज मैं अपने सारे एजुकेशन का इस्तेमाल इस संस्था को खड़ा करने के लिए कर रहा हूँ। 67 ईयर्स हुए हैं, लेकिन पिछले कमेटी ने जो काम हम लोगों की आज तक यहाँ पर किया है, एक एक सदस्य का रजिस्ट्रेशन तक हमारे पास अवेलेबल नहीं है। इस संस्था के तिजोरी, बैंक अकाउंट खाली पड़े हुए थे। ऐसे हालात में ये संस्था मेरे हाथों में आई है और मैं अपने एजुकेशन का इस्तेमाल करते हुए इस संस्था को भारत की ही नहीं, विश्व की बौद्धों की एक बहुत बड़ी संस्था बनाना चाहता हूँ। आप सभी लोग मुझे इस काम में सहकार्य कीजिए, साथ दीजिए। इतना ही अपील आज बाबा साहब अम्बेडकर जी के बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के 67th एनिवर्सरी पर, वर्धापन दिन पर आज आप लोगों के सामने करता हूँ। आप लोगों ने मुझे सुना, उसके लिए आप सभी लोगों का आभार, धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय बुद्ध।